इसलिए तो कह रहा हूँ कि उनकी प्रमोशन लगाइए। वो भी आइए, कई लोग हैं लेकिन अभी रास्ता नहीं निकल के आ रहा है। अच्छा पीछे ये ढीले हैं, ये थोड़ा ढीले हैं। महात्मा जी यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? উনি তো ইয়েতে যান বোধহয়, এখানে কোন হাসপাতালে যায় না, ফিরতে যায় টপক পড়তি হয়। जिसमें की यही तो आदि है, इनके घर से तो मर शुरू हुआ। इसमें शक नहीं। महाराज जी बोलिए बोलिए। ये हम लोग जो बुद्धिपूर्वक जो प्रयास करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि ये सब भावों को समझने के लिए, और ये जो हम लोग बुद्धिपूर्वक प्रयास करते हैं इसमें कोई अनुभूति तो नहीं है, तो क्या ऐसे बुद्धिपूर्वक प्रयास करने वालों को क्या साधक में गणना आती है? क्या साधक साधकों में उनकी गणना आती है? अनुभूति होना नहीं, आरंभ किया। कृति जत भवित साध्य भाव, इंद्रियों से जो साधन किया जाता है एकादश इंद्रियों से,
किंतु भाव के लिए, भाव को प्रकट करने के लिए। भाव नित्य सिद्ध है साधन के द्वारा, इसलिए उसको साधक आरंभ से, आप लोग साधक, हम भी साधक, साधक कनिष्ठ मध्यम उत्तम, और तीनों तीन तीन प्रकार के नौ प्रकार, कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम, फिर मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम, और उत्तम कनिष्ठ मध्यम उत्तम। पर ऐसा बुद्धिपूर्वक चिंतन करने से हम लोग आधा घंटा एक घंटा करते हैं फिर तो वापस संसार की तरह पूरा नाम तो करते हैं नहीं करते, नाम तो होता है लेकिन फिर संसार की तरफ ध्यान जो चला जाता है, जो बुद्धिपूर्वक प्रयास करते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए घंटा आधा घंटा जो करते हैं, लेकिन वापस फिर संसार के प्रति वैसा ही हमारा श्रद्धा तो उत्पन्न होती नहीं हम लोगों को कि नहीं ये सब करते थे हमारा संसार। आप लोग ऐसे करते 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 हमारे जैसे सब छोड़ देंगे, इस जन्म होगा और फिर हमारी स्थिति में आने, फिर इससे भी ऊपर उत्तम जैसे मछली अपने अंडों को देखकर, कछुआ अपने अंडों का चिंतन कर, पक्षी अंडों को स्पर्श करके उनका लालन पालन करता है, तो गुरुदेव जो होते हैं वो जिसको एक बार हरि नाम दे दे, क्या गुरुदेव सभी शिष्यों का कैसा भी हो साधना शुरू करी या केवल हरि नाम जैसे भी है, क्या गुरुदेव सबके लिए उतना ही चिंतन करते हैं, उसी तरह से लालन पालन करते हैं? बराबर नहीं, जिसका जितना भावुक उन्नत है, जो जितना चाहता है उसके अनुपात में, कृष्ण की भी यही स्थिति, भगवान भी ऐसा ही करते हैं। तो फिर महाराज जी भक्त को ज्यादा दयालु क्यों कहा गया है? अगर ऐसी बात है तो भक्त को ज्यादा दयालु क्यों कहा गया है? ये कह रहे हैं कि कृष्ण तो जितना भक्त करता है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते जिस तरह कृष्ण ने बोला, तो अगर गुरुदेव भी वैसे ही करेंगे तो गुरुदेव तो ज्यादा उत्तम अधिकारी गुरुदेव निपत हिसाब वही रहेगा, जितना करोगे उतना ही गुरुदेव करेंगे, या गुरुदेव ज्यादा कृपालु होते हैं कृष्ण से? यथामाम प्रपद्यन्ते, गुरुदेव ज्यादा कृपालु होते हैं कहते हैं ना, ये यथांगमाम प्रपद्यन्ते, मुझको जिस अनुपात में हमारे शरणापन्न होता है उसी रूप में मैं उसको बोलते कृष्ण के लिए लागू है। गुरु जी भी ऐसे करते थे, गुरु जी कृष्ण से अधिक कृपालु कैसे हुए? गुरु जी भी उत्तम अधिकारी ऐसा कर, उत्तम अधिकारी क्या करेगा? जी यथामाम प्रपद्यन्ते, उत्तम अधिकारी जैसे कृष्ण जय यथामाम प्रपद्यन्ते, तो फिर वो उत्तम अधिकारी क्या होगा? इसीलिए तो उत्तम अधिकारी है कि वो इतना कर सकता। महाराज जी आप कथा दिए सुन ना, जीता भगवान সবাইকে কিংবা গুরুদেব সবাইকে কৃপা করছেন, কিন্তু সেটা অনুভব দিয়ে যত আত্মসমর্পণ করতে অনুভব করে সেইখানে সেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করুন, সে যেটা বুঝতে পারছে মানে সে অনুভব করছে। जो जितने परिमाण आत्मसमर्पण करेंगे या करेंगी वो उतने परिमाण में अनुभव करेंगे या करेंगी। ठीक, गुरुदेव तो समान ही कुछ अरे ये इंद्रियों के साथ जो हमारा जीता को चाहिए था कि साधन क्या बोले ना साधन भाव भक्ति, ऐसी अवस्था में हम जैसे निछलों की आशा घट जाती है ना, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते निछले है ना, ये जथंग नाम तो करते और गुरु जी बिचौलिया तो है, उन्होंने ठिका ले रखा है कि मैं तुमको कुछ न कर, तभी तो यही कह रहे हैं कि गुरुदेव बिचौलिया जो है ये मतलब ये जथंग नाम से आगे क्रॉस कर जाते हैं। अरे तो क्रॉस अनुभव होगा, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करके अर्चन करके तब कृष्ण का करते हैं, ये बात ठीक है। और कुछ
हर कुछ जल्दी पूछ शांति रोहित एक क्वेश्चन बार बार आता है, रमन बिहारी का क्या मतलब? वो कहाँ है? सुशील पूछ रहा है रमन बिहारी का अर्थ क्या है? आपने ठाकुर जी का नाम रमन बिहारी रखा, इसका अर्थ क्या है? रमन बिहारी तो एक दूसरे के बारे में रमन बिहारी तो एक दूसरे के बारे में बता दीजिए, रायवाची है बताइए ना। आप तो सुनना चाहते हैं महाराज जी, रमन में ये रम धातु से हुआ है, कृष्णा सब जगह रमण करते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है चित्रकीट से लेकर के जाए, किंतु उसमें भी विशेषता है, गोपी रमण है, जीव रमण नहीं करना, उसमें और विशेषता है राधा रमण। रमण माने क्या? रमत आनंद विचरण करना, आनंद उनके हृदय में बाहर में सब सबके सब साथ में विहार करते हैं, विहार करते रूप से मिल करके जो उनकी क्रियाएं होती है, चलना बोलना हंसना मजाक करना रमण करना, इसीलिए राधा रमण नाम दिया। राधा रमन तो समझ में आता महाराज जी, रमन बिहारी समझ में आता, मुझे रमन बिहारी समझ में नहीं आता है, राधा रमन तो समझ में आता है। जो रमन करने वाले रमन बिहारी तो एक दूसरे के प्रायवाची हो गए ना, रमन बिहारी मैंने रमन और भी हो सकते हैं, नारायण हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, किंतु राधा रमण ही कृष्ण, ये विशेषता दी रमन करते हैं। राधा रमन तो क्लियर हो गया, तो रमन बिहारी है, जैसे विनोद बिहारी, विनोद भी करते हैं बिहार भी करते हैं, रमन भी करते हैं बिहार भी करते हैं, विनोद बिहारी तो अलग अलग दो शब्द है, नहीं नहीं रमन अलग अलग दो शब्द, एक ही शब्द नहीं नहीं। जिसको जिन राजा कृष्ण को रमन मंजरी विहार कराती हैं वो रमन बिहारी हो। बहुत सुंदर, साधु साधु ठीक है ना, हाँ साधु साधु। आपको नहीं आता, चश्मा से दिख नहीं रहा राधा के कारण। अभी महाप्रभु जी ने, महाप्रभु जी ने गंभीर विषय, यदि हमारा गला खराब है, डॉक्टर ने बोलने से मना किया है, फिर भी हम हरी चर्चा में अधिक बोल सकते हैं, ऐसा है? डॉक्टर पूछा जाए मना किया और गला खराब है फिर भी हरी चर्चा कर रहे हैं, ये वाजिब है? ये किसने लिखा? गुरु जी का गला है। कौन लिखा? तो अपने गले की बात कर रही है, गुरुदेव के गले की बात कर रही है? अपना अपना, इनका गला खराब है। कान से सुनती तो उसमें भी गला, ये बहुत प्रचार करती है गुरुदेव, बोलती रहती है ऑफिस में, प्रचार बहुत करती है। जैसे मेरा गला खराब है सब कुछ है, धीरे धीरे बड़ा को हरी कथा के लिए मना। डॉक्टर साहब खड़े हैं, चल आपको क्या पूछेगा? अरे इनको क्या पूछना था? Yes. The ladies ashram is going very well. We have two questions. We want to know if the girls are inspired to go to Rup Sanatan or Mathura or Krishna Priya Didi's for Harikatha. Is this okay?
বলছে লেডিস আশ্রম খুব ভালো চলছে, গোপীনাথ ভবন লেডিস আশ্রম ভালো চলছে, লড়কিয়া কবি কবি সনাতন মঠ মে কবি কৃষ্ণ কে পাশ হরিদ্বার আশ্রম মে জানা চাহতে যায় কি নেই যায়, কবি মথুরা মে কবি সনাতন মঠ মে কবি শ্যাম সুন্দর কে পাশ কবিতা আশ্রম মে হরি মথুরা থেকে আমাকে হারাবার জন্য এত চেষ্টা কেন? বুলালে না নেই মানবী ও ইয়ে কে রে মানব তো সব হ্যাঁ মানবী এক হি মহারাজ परकीय भाव का केवल यही एक विशेषता है, दुर्लभता वामता निवारणता परस्पर दर्शन दुर्लभता सिर्फ यही एक परकीय भाव की विशेषता है या कुछ और भी? ऐसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? और वो कृष्ण और गोपियों को यदि वैसा हो गया ना तो अनर्थ हो। मंजरियों में भी परकीय भाव है, राधा जी में है, तादात्म्य है राधा जी का और मंजरियों का भाव तादात्म्य है, ललिता का राधा जी के साथ तादात्म्य नहीं है, उनकी सखी सहेली बराबर है, প্রেমানন্দে মহারাজ সেবা কর না সব কুছ আপনে লিয়ে খরচ মত করনা ও নেই পয়সা তো হ্যাঁ সব সবক খরচে আপনি কে লিয়ে কুছ করতে নেই তো হামারে লিয়ে কর তব তো ওই তো দূসরো কে লিয়ে সেবা করনা গুনা দিয়ে পেয়ে দেওয়া গলা মত দেওয়া পেয়ে দেওয়া দেওয়া গলা মধ্যে গলা মধ্যে হ্যাঁ 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 আপকে পিছে হ্যাঁ আপকে পিছে হ্যাঁ এই তো আপ অভি কা করে হ্যাঁ হ্যাঁ জি হ্যাঁ জি সুন রহে হ্যাঁ হ্যাঁ জি আপকো তো মে কুছ দে নেই সকতা মেরা ইতনা উপকার করনে তো হরি নাম তো দে দু ফাইনাল লিয়া তো লে লিয়া হ্যাঁ আর কিয়া লে লিয়া মে যাকে দেতা হুম সবি ঠিক আছে চলো থা লিয়ে নিবা বেশ ছুটি চলো চলো
আমাদের তো পুজো করতেই হয় এমনি রোজ। Thank you.